Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mozam, and you are watching News Views and Updates. और आज हम बात करेंगे ईद के बारे में. जैसे कि आपको पता है कि ईद आने वाली है और रमजान खत्म होने वाला है, और रमजान के बाद जब ईद आती है तो बहुत खुशी होती है और उम्मीद है गालबन कल रात जो है चांद रात होगी, उम्मीद की जा रही है. लेकिन हो सकता है कि परसों भी हो. हाँ. लेकिन लाइक ज्यादातर तो लोग यही कह रहे हैं कि कल हो जाए. और सबसे ज्यादा खुशी होती है ईद पर, ईद ही जब आपको ईद मिलती है आपको बहुत खुशी होती है. वैसे चांद रात की भी बहुत खुशी होती है, बाजार भरे होते हैं. हाँ. आप जाते हैं, मुख्तलिफ चीजें देखने को मिलती हैं, जो नए नए आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं. नो डाउट. लेकिन ये होता है कि समझने वाले समझ गए होंगे वो आर्टिकल्स, जिन आर्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली जो बॉयज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे. लेकिन मुझे पर्सनली खुशी होती है आपको, आप तैयार होते हो, आप नए कपड़े पहनते हो और आपको ईदी मिलती है और मीठा खाते हो. मतलब ईदी की तो बहुत खुशी होती है, एक्साइटमेंट. तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो है कि रमजान इन इंडिया, मतलब कि ईद स्पेशल है, ये एक वीडियो है. और इसमें वो क्या से बोलते हैं कि मतलब ये दिखाया जाएगा आई गेस के रमजान इंडिया में कैसे मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मिक्सअप होता है, लोग कई रोजे रखते हैं. हाँ, और नहीं रखते. बिल्कुल, मेरा ख्याल है यही होगा कि मतलब क्या होता है. तो आई थिंक पहले हम लोग देख लेते हैं वीडियो, फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे हमें वीडियो कैसी लगी है. सो लेट्स स्टार्ट वॉच द वीडियो. अभी बताती हूँ तुमको, मैं बहुत शैतान हो गए हो तुम. अरे मारा भी नहीं और एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करेगा. हाँ, ये बालेंगे, ये हीरो बनेगा, हीरो बनेगा. मैं मेरा रोजा है इसलिए होमवर्क नहीं किया. जा बेटा क्लास में जा. हैं, हाँ इसे चला लियो, ठीक है. और ये नाइन्थ बी सबसे गंदी क्लास है. ओ भाई तेरा तो रोजा था. पागल है क्या? वो तो बस हड़िम्बा से बचने के लिए था, रोजे में होमवर्क नहीं किया पता ना. गाइस, तुम्हें पता तो है रमजान चल रहे हैं यार, रोजों में कहां ही पार्टी होगी. गाइस, मेरी नौकरी लग गई. वो पार्टी, तुम्हें पता तो है रोजे चल रहे हैं. पार्टी यार, तुम्हें पता तो है रमजान चल रहे हैं. अरे गाइस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, चलो ना पार्टी करते हैं. नहीं यार, पार्टी. गर्मी कितनी है यार? हाँ यार, और कल से तो रमजान भी शुरू है. रमजान मतलब 30 दिन? हाँ, 30 दिन रोजे, उसके बाद ईद. हाँ, ईद में चिकन, मटन, बिरयानी. क्यों 30 दिन कुछ नहीं खाएगा? नहीं. अबे पानी भी नहीं पिएगा? अरे सीधे नमक वाले चिप्स तुम लोग ये भी नहीं खाते? नहीं, हम लोग तो खाते हैं. इसमें क्या है, ये तो हम भी कर सकते हैं. ये तो बहुत इजी है, मैं भी रख सकती हूँ. ये भी नहीं खाते. और मैं तो खाने के लिए रह नहीं सकता यार. चलो गाइस, इस बार हम सब रोजा रखते हैं. हाँ यार. ओए, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है जो लंच हो रहा है. तूने क्या समझा है मुझे? अरे तेरा तो रोजा होगा आज. तो कुछ खाया सुबह से? भाभी आ गई. Thank you.
पागल है क्या? बोला क्यों नहीं कुछ तूने? यार तू नहीं समझेगा है ना? मैं क्यों नहीं समझूंगा, बताएगा मुझे? यार कुछ होता है तू नहीं समझेगा भाई, बोलेगा इधर देख के बात करेगा मुझसे? तू नहीं समझेगा यार, इधर देख के बात कर। अबे कहा था ना नहीं समझेगा। अबे यार रोजों में ब्रश भी नहीं करते, तभी तो नहीं बात करी मैंने उससे। मर गया क्या? रुक माउथ से माउथ देता हूं। हाँ भाई विनय, क्या हाल है? क्या हाल है? बस यार पूछ मत, हालत खराब हुई है भाई। क्या हुआ? अरे यार वो मैडम कह रहे हैं प्रोजेक्ट आया हुआ नया। अच्छा वो दुबई वाला प्रोजेक्ट? हाँ यार बहुत बिजी है उस चक्कर में यार। सही है भाई। क्या भाई लंच टाइम चल रहा है क्या, तू लैपटॉप लेके बैठा हुआ है? अच्छा तू लंच ले आया? हाँ हाँ तू खा ले। क्यों क्या हो गया? अरे रमजान चल रहा है यार, मेरा रोजा है, तू खा। ओ हाँ अच्छा रमजान चल रहा है। क्या हुआ खा क्यों नहीं रहा? बाद में खा लूंगा। तू पागल है क्या? खा ले भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, फिर क्या वो बाद में खा लूंगा भाई, मुझे इन सब की आदत है, मुझे चलता है, तू बिंदास खा। अरे भाई तुम 30 दिन रोजे रख सकते हो, मैं 30 मिनट बाद लंच नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बाद में खा लूंगा। तू भी ना हद कर देता है। और सुना घर में सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ सब बढ़िया है। और यार घर से मुझे कुछ याद आ, ओह शिट क्या हुआ यार? घर से याद आया मुझे कॉल करनी थी अर्जेंट, मैं कॉल करके आता हूँ। एक काम करना तू इतने में लंच कर ले, मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा। जानबूझ के गया? हाँ हाँ पक्का, तू लंच कर मैं आता हूँ। ठीक है भाई। मैम मेरा तो रोजा है। ये सबसे मजे की चीज थी जब देखा मैम मेरा तो रोजा है, मैम ने कहा जाओ आप तो क्लास में जाओ जाके सीख लो। वैसे यहाँ पे जो टीचर है वो बड़े जालिम है, वो फिर भी मारते हैं, वो कहते हैं रोजा तो क्या हुआ। अच्छा मुझे नहीं पता। तो स्टूडेंट ऐसे काम था ना करे कि उनको मार पड़े, लेकिन देखे ना कि लोग भी जो उनसे होते हैं आई मीन स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है वो गलत फायदा उठाते हैं रोजे का। हालांकि रोजा सब्र बर्दाश्त का नाम है और एक मतलब आप अपने आप पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये इस चीज का नाम है। वैसे ना जो जब इन्हें बाद में दोस्तों से लेके खा रहा था ना, वहाँ पे भी दिखानी चाहिए थी जो उसकी लिटरेशन हो रही थी, दिखानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दिखाई। हाँ लेकिन मुझे वैसे ऑनेस्टली वो वाली बहुत फनी लगा है, जब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था उसी टाइम पर जब माउथ वाला कि क्यों नहीं बात करे, क्योंकि यस इट हैपेंस के आप जब रोजा रखते क्योंकि आप सारा दिन कुछ खाते नहीं हो तो आपके मतलब स्मेल आती है, बैड ब्रेथ होती है। लेकिन ये जो चीज है कि ब्रश नहीं कर सकते रोजे में, लेकिन आप रोजे से पहले तो कर सकते हैं ना, जब आप सैरी खा रहे तब आप ब्रश कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ज्यादातर ऐसे ही होता है कि लोग आई थिंक ब्रश नहीं करते। ये भी समझ गया मुझे आला। तो वाकई में जो सामने वाला बंदा होता है ना उसको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं वैसे वैसे, वैसे लड़कों में वैसे वैसे मैं ब्रश करता हूँ, लेकिन मैं रात को ही करके सो जाता, सुबह नहीं मैं करता जी। तो मुझे लगता है कि लड़कियों में जरा ये चीजें कम पाई जाती हैं, लड़कों में ज्यादा होती है। नहीं लड़कियां भी बड़ी गंदी होती है वैसे तो ना, मैंने नहीं ऐसे देखी। खैर मुझे वैसे वो जो दूसरा लड़का था जो जमीन पे गिरा था बेचारे की वजह से उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी, ऐसे लग रहा था बाकी मिर्गी का दौड़ा पड़ गया उससे। बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और इसके अलावा मतलब मुझे एक मैसेज भी था, मतलब कोई फनी भी था, मैसेज भी था इसमें के किस तरीके से आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ऑल्दो आप उस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन आप एक दूसरे का ख्याल रखते जिस तरीके से उन्होंने खाना नहीं उसके सामने खाया और फिर उन्होंने उसका बाद में ख्याल रखा,
कि वो उठकर चले गए एक बहाना करके. लेकिन ये कि ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको एक दूसरे के करीब लेकर आती हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ाती हैं, और मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही होता है और खूबसूरती भी यही होती है आपके रिश्तों की और इंसानियत की कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार करें और मोहब्बत से रहें. नो डाउट. और एक और चीज़ मैं वाकई में डिस्कस करना चाहूँगी कि इसमें जो एक और चीज़ थी जो कि कोई भी सेलिब्रेशन होती थी तो कहते थे कि यार मेरा रोज़ा है, यार रोज़ा में कैसे हो सकता है, रमज़ान है. वाकई में ये होता है क्योंकि हम लोग भी ऐसे करते हैं कि अगर ऐसे हो ना यार नहीं रोजा है अभी, नहीं रोजों के बाद करेंगे. होता ये कि आप जब सारा दिन रोजा रखते हो ना, अभी इतनी गर्मी में जैसे हम रख रहे हैं तो थोड़ा नो डाउट मुश्किल लगता है आपको, लेकिन ये कि बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल होता है. अगर आप घर में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली होता ये है कि रोजा अफ्तार करने से पहले पहले आप वैसे भी थके होते हैं. हाँ. और जब आप रोजा अफ्तार कर लेते हैं फिर पानी का जो बोझ आपके जिस्म में पड़ता है फिर आप और थक जाते हैं. हाँ, आप खाकर थक जाते हो. तो दोनों सिचुएशंस में, यानी कि बिफोर इफ्तारी और आफ्टर इफ्तारी, आपको दोनों सिचुएशंस में ना आप गिरे हुए होते हैं. हाँ, आपको कमजोरी फील हो रही है. मुझे तो बहुत वीकनेस फील होती है पहले खाने के बगैर और बाद में खाकर, तो इसलिए दिल करता है कि बस लेट जाओ अब. तो हाँ. ये वाकई में होता है, मतलब सिचुएशन उन्होंने बड़ी अच्छी और रियलिस्टिक रखी हुई है. वेल, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वीडियो और थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अस दिस वीडियो. एंड इसमें हमारे थोड़े से अपने पर्सनल व्यूज भी थे. व्यूज तो थे, पर्सनल एक्सपीरियंस भी थे. हाँ, जैसे कि एक ये वाला सेलिब्रेशन वाला कोई भी चीज या पार्टी कोई मांगी, यार नहीं बोल सा रहने दो, रहने दो भी. और एक सेकेंड नहीं, मेरे में से मेरा बैड ब्रेथ वाला एक्सपीरियंस नहीं है, सॉरी. लेकिन ओ नहीं है इधर से पहले बताते हैं, यही कह रहे हैं. ओके फाइन. तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी. बिल्कुल. और वीडियो खत्म करने से पहले हम सबको ईद मुबारक कहना चाहते हैं कि अगर कल आखिरी रोजा हुआ तो चांद रात मुबारक. यस, एडवांस में चांद रात मुबारक, फिर ईद मुबारक. और खुशियां बांटते रहें और खुशियां बिखेरते रहें और खुशियां हासिल करते रहें और खुश रहें और खुश रहें. यस, उस तरह ये जो बात है ना कि जियो और जीने दो और खुश रहो. और इसी के साथ अब हम दे इजाजत और हमें अपनी दुआओं में याद रखें. लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. यस एंड बाय. नो 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 फिर एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर वीडियोस. ओके यस एंड टिल देन बाय.